प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हमें यह बहुत कठिन लगती है। अब आपको अंग्रेजी भाषा कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि हमने आपकी पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद ठीक अंग्रेजी की प्रत्येक पंक्ति के नीचे कर दिया है। हमारा उद्देश्य आपकी कठिनाइयों को दूर कर इसे और अधिक सरल बनाना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश बुक फर्स्ट क्लास लेसन नंबर 8 हॉर्स डॉग फ्लाई का इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद बताने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुने। ए लॉन्ग टाइम एगो, एगो मीन पहले, टाइम मीन समय। ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, ड्रैगन DRAGONS Dragon means dragon, could mean sakta, sakti, sakte, not mean nahi, FIRE, fire means fire. A long time ago dragons could not fire, bahut samay pehle dragon aag nahi laga sakte the. They could not breathe fire anymore. They mean we could mean sakte the, not mean nahi, not mean nahi, breath mean saans, fire mean aag anymore. They could not breathe fire anymore. We saans se aur aag nahi ugal sakte the. द किंग ऑफ ड्रैगन, ड्रैगनों के राजा ने कालड में बुलाया, हिज मीन अपना, अपनी, अपने, हिज मीन उसका, उसकी, उसके, किंतु यहाँ पर अपना अपनी में आएगा। गुड मीन अच्छे, फ्रेंड मीन मित्र, बेली। फ्लाइंग हॉर्स उड़ने वाला घोड़ा। The king of dragons called his good friend flying horse. ड्रैगनों के राजा ने अपने अच्छे दोस्त उड़ने वाले घोड़े को बुलाया। My dear, मेरे प्यारे, dear mean प्यारा, प्यारी, प्यारे। My mean मेरा, मेरी, मेरे। Friend मित्र, दोस्त, बेली। My dear friend, मेरे प्यारे मित्र या मेरे प्यारे दोस्त। यू मीन आपने, यू मीन आपने, है मीन है। ऑलवेज मीन हमेशा, हेल्पर मीन मदद की, अस मीन हमारी, आपने हमेशा हमारी मदद की है। टुडे, टुडे मीन आज। वी मीन हमें, नीड मीन जरूरत है, आवश्यक है। यूर मीन आपका, आपकी, आपके, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, यहाँ पर आपकी होगा। हेल्प मीन मदद, वंस मीन एक बार, अगेन मीन दोबारा। टुडे वी नीड यूर हेल्प वंस अगेन, आज हमें एक बार फिर आपकी मदद की जरूरत है। नेक्स्ट लाइन, आई मीन मैं, वी मीन गागे ही, बी मीन होऊंगा या होना, हैप्पी मीन खुश या प्रसन्न, टू हेल्प मदद करना, यू मीन आपकी, फ्लाइंग उड़ने वाला, हॉर्स मीन घोड़ा, सेड टू द किंग, फ्लाइंग हॉर्स सेड टू द किंग, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, फ्लाइंग हॉर्स said to the king.
मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी, उड़ने वाले घोड़े ने राजा से कहा। वी है वी मीन हमने या हम है मीन है लोस्ट मीन खो दी आवर मीन हमारा हमारी हमारे अपना अपनी अपने यहाँ पर अपना अपनी अपने है। फायर मीन आग। वी हैव लॉस्ट आवर फायर हमने अपनी आग खो दी है। द सन है लॉर्ड्स ऑफ फायर। द सन मीन सूर्य। द सन मीन सूरज या सूर्य। हैज मीन है लॉर्ड्स ऑफ फायर बहुत आग। द सन है लॉर्ड्स ऑफ फायर सूरज में बहुत आग है या सूरज के पास बहुत आग है। प्लीज PLEAC प्लीज। प्लीज मीन कृपया। ब्रिंग मीन लाओ। अस मीन हमें। सम मीन कुछ। सम मीन कुछ। फायर मीन आग। फ्रॉम मीन से। इन मीन उससे। द किंग्स है राजा ने कहा। कृपया हमें उससे कुछ आग ला कर दो राजा ने कहा। प्लीज ब्रिंग सम प्लीज ब्रिंग अस सम फायर फ्रॉम हिम द किंग्स है। कृपया हमें उससे कुछ आग ला कर दो राजा ने कहा। फ्लाइंग हॉर्सेस एग्रीड। एग्रीड मीन सहमत हो गया मान गया। फ्लाइंग हॉर्स उड़ने वाला घोड़ा। फ्लाइंग हॉर्स एबे उड़ने वाला घोड़ा मान गया। ही मीन वह। कुड मीन सकता था। नॉट मीन नहीं। से मीन कहना। नो मीन नहीं। टू हिज फ्रेंड। फ्रेंड मीन मित्र। हिज मीन अपने। ही कुड नॉट से नो टू हिज फ्रेंड। वह अपने दोस्त को या मित्र को मना नहीं कर पाया। उसने इनकार नहीं किया। सो एस ओ सो मीन इसलिए। ही मीन वह है। फ्लू। फ्लू मीन उड़ा। FLEW फ्लू मीन उड़ा। दस सन मीन सूरज। सो ही फ्लू द सन इसलिए वह सूरज की ओर उड़ा। नेक्स्ट लाइन। ही मीन वह। न्यू मीन जानता था। द सन सेट द सेम प्लेस ऑल द टाइम। वह जानता था कि सूरज हर समय ऑल द टाइम हर समय एक ही जगह पर रहता है। ही न्यू द सन सेट द सेम प्लेस ऑल द टाइम। वह जानता था कि सूरज हर समय एक ही जगह पर रहता है। नेक्स्ट लाइन। ही मीन उसने या वह। आस्टेड मीन पूछा। द सन फॉर सम फायर। सन मीन सूरज। फॉर मीन से या के लिए। सम मीन कुछ। फायर मीन आग। ही आस्कर द सन फॉर सम फायर। उसने सूरज से कुछ अग्नि मांगी। आस्कर मीन मांगी। आह विल गिव यू सम फायर। आह गिव मीन दूंगा। विल गिव मीन दूंगा। यू मीन आपको। सम मीन कुछ। फायर मीन आग। आई विल यहाँ पर आई को साइलेंट रखा गया है। गिव यू सम फायर। आह आपको कुछ आग दूंगा। किसने कहा? सूरज ने कहा। बट लेकिन। वट विल यू गिव मी इन द रिटर्न। रिटर्न में वापिस या लौटाना।
But what will you give me in return? Asked the sun. लेकिन बदले में आप मुझे क्या देंगे? सूरज ने पूछा. Flying horse, उड़ने वाले घोड़ा. Did not have anything. उड़ने वाले के घोड़े के पास कुछ नहीं था. उड़ने वाले घोड़े के पास कुछ नहीं था कि वो सूरज को दे सके. सो ही सैड, इसलिए उसने कहा. किसने कहा? घोड़े ने कहा. यू कैन हैव माई विंग्स, तुम मेरे पंख अपने पास रख लो या रख सकते हो. द सन वॉज वेरी हैप्पी. हैप्पी मीन खुश. वेरी मीन बहुत. सूरज बहुत खुश था. द सन वॉज वेरी हैप्पी. सूरज बहुत खुश था. ही कुड नाउ. नाउ मीन अप. कुड मीन सकता था. फ्लाई मीन उड़. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक. अब वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ सकता था. कौन उड़ सकता था? सूरज. द ड्रैगन्स गॉट देयर फायर बैक. ड्रैगनों ने अपनी आग वापस ड्रैगनों को अपनी आग वापस मिल गई. बट लेकिन हॉर्सेस कुड नॉट नेवर फ्लाई अगेन. लेकिन घोड़े फिर कभी नहीं उड़ सके. आप इस वीडियो को अन्य विद्यार्थियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें. आप इसे लाइक करें. अगर पहले सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है. अगर नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नए नए वीडियो हमारी ओर से मिलते रहें. धन्यवाद.